about the type of slabs, right? So type of slab, first of all, what is slab? Slab, how will you define slab? What is slab? See, slab, plain surface, plain structure member, structural member, ठीक है, whose thickness is less as compared to its other dimensions. ठीक है, मतलब कि स्ट्रक्चरल में एक प्लेन स्ट्रक्चरल मेम्ब्रेन मेंबर जिसकी थिकनेस या उसकी जो थिकनेस है इज लेस एज कंपेयर टू अदर इज अदर डायमेंशन, अदर डायमेंशन से मतलब लेंथ वेट और थिकनेस, ठीक है, या हाइट कह लो या थिकनेस कह लो, तो इसकी जो थिकनेस है वो जो है अदर स्ट्रक्चरल मेंबर से डायमेंशन उसकी कम है, तो दैट इज कॉल्ड स्लैब. अब स्लैब कितने टाइप होती हैं? टाइप ऑफ स्लैब, फर्स्ट वन वे स्लैब, टू वे स्लैब, वन वे स्लैब, टू वे स्लैब. बहुत बारी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दिस इज मोस्ट ऑफ द टाइम दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड यू एट टाइम ऑफ इंटरव्यू, डिफरेंस बिटवीन वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब. ठीक है, तो वन वे स्लैब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वन वे स्लैब, फर्स्ट लेंथ बाई विड्थ इज इक्वल टू और ग्रेटर देन टू, मींस अगर ये हमारी स्लैब है, अगर इसकी लेंथ 5 मीटर है, विड्थ इसकी 2 मीटर है, तो दिस इज कॉल्ड वन वे स्लैब. दिस इज 5 बाई 2 इज ग्रेटर देन 2, तो इस 2.5 आएगा ना इसका रिजल्ट, तो मतलब 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2.5 मीटर, दैट इज कॉल्ड टू वे स्लैब. वन वे स्लैब मीन्स दिस इज वन वे स्लैब, राइट, टू डिवाइडेड बाई 5, तो रिजल्ट विल बी लेसर देन 2, तो दिस इज टू वे स्लैब. ठीक है, सेकेंड इसमें जो है बेंडिंग जो है, बेंडिंग विल बी इन जो स्टील में रिइंफोर्समेंट जो बेंडिंग हम करते हैं, दैट इज इन बेंडिंग इन शॉर्टर स्पैन, स्पैन, राइट. इसमें जो है सेकंड, इसमें हम लोग लिखते हैं एल बाई बी इज लेस देन बाई 2, ठीक. सेकंड बेंडिंग इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है. थर्ड क्या आएगा, मेन बार आर प्रोवाइडेड इन शॉर्टर स्पैन, इसमें मेन बार आर provided in both direction. ठीक, मेन बार मीन्स मेन बार जो होती है हमारी वो शॉर्टर स्पैन में प्रोवाइड की जाती है, और ये जो है हमारी दीज आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन बार. जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बिछेगी लॉन्गर स्पैन में, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन बार. बट इन दिस केस अवर बोथ आर
both are main bar. ठीक, उसके बाद फोर्थ जो हमारा लोड होता है, लोड डिस्ट्रीब्यूट इन वन डायरेक्शन. ठीक है, इस केस में लोड डिस्ट्रीब्यूट इन डिस्ट्रीब्यूट बोथ डायरेक्शन. ठीक, उसके बाद आता है आपका इसमें स्लैब थिकनेस इज मोर. ठीक, इसमें जो है लेस थिक. इस केस में स्लैब थिकनेस ज्यादा होती है, इस केस में स्लैब थिकनेस कम होती है. रिइंफोर्समेंट कंजप्शन, रिइंफोर्समेंट कंजप्शन इज हाई, इसमें लेस. फिर इसमें जो है सेवंथ आएगा इसमें जब रिइंफोर्समेंट और स्लैब ज्यादा है तो कंक्रीट ज्यादा कंज्यूम होगा तो कॉस्टलियर पड़ेगी. दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिकल. ठीक, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो हमारा रेक्टेंगुलर जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर होता है या प्लॉट है उसकी कॉस्ट हमेशा ज्यादा आती है एज कम्पेयर टू स्क्वायर प्लॉट. देखा होगा ना आपने, लोग हमेशा प्रीफर करते हैं स्क्वायर प्लॉट लेने के लिए एज कम्पेयर टू रेक्टेंगुलर प्लॉट बिकॉज ऑफ दिस. ये कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है ना बहुत ज्यादा आती है, वेस्टेज हमारी मटेरियल की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्क्वायर प्लॉट. ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब. यू अंडरस्टैंड? प्लीज नोट डाउन.